नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 28 लाख के सोने के बिस्किट के साथ पटना एयरपोर्ट से तस्कर गिरफ्तार। शिक्षकों की बहाली में मुखिया और सरपंच की नहीं होगी कोई भूमिका। पटना में इलेक्ट्रिक स्कूटी से चिट्ठी बांटेंगे डाकिया। बिहार के 6 शहरों के पानी में मिला यूरेनियम। बिहार के 23 इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द ही होगी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार ने पार किया 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य। बीते दिन बिहार सरकार ने एक बार फिर से टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया था, जिसमें बिहार सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। साथ ही उन्होंने 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा होने पर भी बधाई दी है और साथ ही इसके बाद अब 8 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को रखने की बात कही है। इसको लेकर मंगल पांडे ने कहा कि जनता के सहयोग से शनिवार को राज्य में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 6 करोड़ के पार हो गया है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश से इस कार्य को पूरा किया गया है, जो राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 लाख के सोने के बिस्किट के साथ पटना एयरपोर्ट से तस्कर गिरफ्तार। कस्टम विभाग के साथ हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है, जब 28 लाख के सोने की बिस्किट के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद विदेशी सोने की बिस्किट के साथ एक तस्कर को पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी अहमद अब्दुल हक जो है वो उनके पास से 583.60 ग्राम सोने की बिस्किट जब्त की गई है, जिसकी कीमत 28,18,784 रुपये बताई जा रही है। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार उनके पास से कई जाली प्रमाण पत्र और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल उनके कागजातों की जांच की जा रही है। शिक्षकों की बहाली में मुखिया और सरपंच की नहीं होगी कोई भूमिका। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार शिक्षक बहाली में मुखिया और सरपंच की कोई भूमिका नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 7वें चरण से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने कहा है कि 7वें चरण से शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा, जिसमें पंचायत या प्रखंड स्तर के किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी। तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। पटना में इलेक्ट्रिक स्कूटी से चिट्ठी बांटेंगे डाकिया। विश्व डाक दिवस के मौके पर पटना में इलेक्ट्रिक स्कूटी से डाकिया चिट्ठी बांटते देखे गए। इसकी शुरुआत शनिवार को हो चुकी है। शनिवार को पटना जीपीओ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय डाक दिवस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर निदेशक पंकज कुमार मिश्र ने बताया कि पटना जिले में इलेक्ट्रिक स्कूटी से डाक वितरण की नई सेवा शुरू की गई है। मौके पर नवनियुक्त डाक जीवन बीमा एजेंटों को कोड भी दिया गया। मौके पर मुख्य अतिथि और दीघा महिला इंटर कॉलेज की उपप्राचार्य नम्रता कुमारी और उपेंद्र कुमार ने भी डाक सेवाओं की महत्ता पर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। बिहार के 6 शहरों में पानी से मिला यूरेनियम। बिहार के 6 शहरों में पानी से यूरेनियम पाया गया है, जिसके बाद कैंसर और किडनी के रोगों की समस्याएं बढ़ने की संभावना जताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार 6 जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से 2 गुने से ज्यादा मिली है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन राज्य के कुछ जिलों में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पानी में मिला है। ज्ञात हो जिन शहरों में पानी में यूरेनियम मिला है उसमें पटना, नालंदा, नवादा, सारण, सिवान, गोपालगंज जिले का नाम शामिल है। अब तक बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में जारुगोदा और में यूरेनियम पाया जाता था, लेकिन बिहार में पहली बार इस अनुपात में मिला है। बिहार के 23 इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द ही होगी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। बिहार के 23 इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसको लेकर सारी जानकारी साझा कर दी गई है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर, सहरसा, जमुई, वैशाली, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, अरवल, सिवान, गोपालगंज और समस्तीपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में ये व्यवस्था की जानी है। जानकारों की माने तो हर कॉलेज में 312 सीटों पर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी, जो कि अगले सत्र से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में बिहार सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है और जल्द ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित कॉलेज पढ़ाई शुरू करने के लिए मान्यता देने के लिए आवेदन भेजा गया है। मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी बने इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरियत। मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के नए और 8वें अमीर शरियत बन गए हैं, जिसके बाद नए अमीर शरियत अहमद फैजल वली रहमानी को सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स ने अपने घर में ले लिया है। वहीं इमारत शरिया मुख्यालय में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए नए अमीर शरियत ने अपना बयान जारी किया है और उन्होंने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इमारत शरिया के गौरवमय परंपरा को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार विधान परिषद चुनाव में पंचों सरपंचों को
मतदान का अधिकार देने की उठी मांग। पंचायत चुनाव के बाद बिहार विधान परिषद चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। हालांकि चुनाव से पहले ही भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी से खास मांग की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार विधान परिषद चुनाव में पंचों और सरपंचों को भी मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर चौधरी शास्त्री नगर स्थित सर्वे भवन में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि देश में इकलौता बिहारी ऐसा राज्य है जहां ग्राम कचहरियों की व्यवस्था है, सरपंच पंच चुने जाते हैं। ऐसे में विधान पार्षद के लिए होने वाले स्थानीय प्राधिकार चुनाव में ग्राम कचहरियों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। बिहार में मिले कोविड 19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 36 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भोजपुर में 1, गोपालगंज में 1, पटना में 1 और सीतामढ़ी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के 24 घंटे में कुल मिलाकर 131,786 सैंपल की जांच की गई, वहीं 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पहली बार डीजे पार्टी के साथ लीजिए गोवा जैसे क्रूज शिप का मजा। अब तक आपने कई बार देखा होगा कि क्रूज शिप सिर्फ गोवा और वाराणसी में ही चल रहे थे, लेकिन अब बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में भी इस क्रूज शिप को चलाया जा रहा है, जिसके तहत ही बिहार की राजधानी पटना में अब गंगा नदी में क्रूज शिप का आनंद आप भी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस क्रूज शिप का नाम MB अल्फा रखा गया है और इसकी खासियत की बात करें तो ये पूरी तरह से एयर कंडीशन युक्त है और इसके साथ साथ इस पर 100 लोग सफर कर सकते हैं और पार्टी भी कर सकते हैं, जहां पर आपको इस शिप पर डीजे साउंड, डीजे लिफ्ट, डीजे लाइट, खाने पीने की सामग्री आदि उपलब्ध आसानी से मिलेगी। यहां पर एक व्यक्ति के लिए ₹300 दो घंटे के लिए देने होंगे और इसके साथ साथ इस शिप को पार्टी के लिए भी आप बुक कर सकते हैं, जो कि ₹12,000 तीन घंटे के लिए लगते हैं। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना शुरू। पहले और दूसरे चरण के बाद बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना आज करवाई जा रही है, जिसकी प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। कई जगहों से परिणाम भी सामने आने लगे हैं। खबर लिखे जाने तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार सहरसा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, दरभंगा, नालंदा, रोहतास, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, मोतिहारी, सारण के मुखिया प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। उसके बाद निकटतम प्रत्याशी के हारने की भी जानकारी सामने आ गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तीसरे चरण में कुल मिलाकर 81,616 प्रत्याशी है। इस बार महिला प्रत्याशियों का दबदबा कायम है। इस चरण में 43,061 महिला प्रत्याशी तो वहीं 38,555 पुरुष प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। भागलपुर क्षेत्र के सभी दार्शनिक और धार्मिक स्थलों के लिए चलेगी CNG बसें। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, यही कारण है कि बिहार सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में भागलपुर क्षेत्र की सभी दार्शनिक और धार्मिक स्थलों के लिए CNG बसों का परिचालन करवाया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर जिले को जल्द ही 25 CNG बसें मिलने वाली हैं। इन बसों को सभी धार्मिक और दार्शनिक स्थलों के लिए चलाया जाएगा। इसके साथ ही पटना से राजगीर, बोधगया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों के लिए AC इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। इसी तरह की पहल भागलपुर पथ परिवहन निगम ने भी शुरू की है। CNG बसों के परिचालन से दर्शनार्थी और सैलानी दर्शन करने के लिए आसानी से कम किराए में आरामदायक सफर कर अपने दार्शनिक स्थल तक पहुंचेंगे। इसके एक तो यातायात सुगम होगा और दूसरा पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा, वहीं तीसरा बस निगम को आर्थिक रूप से लाभ होगा। जदयू नेता ने तेजस्वी यादव को बताया लालटेन युग का नेता। राजधानी पटना को छोड़कर बिहार के लगभग हर शहर में पावर कट की समस्या आ रही है, जिसको लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। इसको लेकर ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिजली की समस्या उत्पन्न होने को लेकर सरकार की नाकामी से करार दिया था। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर जदयू की तरफ से पलटवार हुआ है, जिसके तहत जदयू प्रवक्ता और एक समय मंत्री रह चुके नीरज कुमार ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को जानकारी का बहुत अभाव रहता है, वे लालटेन युग वाले हैं। देश भर में कोयले का तत्कालिक संकट आया है, बिजली घरों को कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार अब अपना नामांकन लेंगे वापस। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में लगातार तैयारियां जारी है। इसी बीच महागठबंधन में भी अजीब खेल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस और राजद ने दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं अब तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार ने अब अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया है। ये वही संजय कुमार है जिन्हें तेज प्रताप यादव ने अपने
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था। मिल रही जानकारी के अनुसार तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संजय कुमार ने पर्चा भरा था, अब वो अपना नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। इससे तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका। दुबई में भिड़ेंगे गुरु और शिष्य। दुबई में हो रहे आईपीएल 2021 का पहला क्वालिफायर किसके बीच होना है ये तय हो चुका है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली घरेलू टीम दिल्ली कैपिटल्स रविवार को मैदान में आमने सामने होने वाली है। देखा जाए तो दुबई में होने वाले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उनके पास बड़े मैच में खेलने का जबरदस्त अनुभव रखने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन दिल्ली को भी कमजोर समझना गलत होगा। कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट बीच में ही स्थगित होने के बावजूद दिल्ली ने अपनी निरंतरता को बनाए रखी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल 2021 की जीत का प्रबल दावेदार कौन सी टीम है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।